नमस्कार, आप सुन रहे हैं धे टीवी का न्यूज दिस आर प्रोग्राम और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में हम एक पर्यावरणीय मुद्दे की बात करेंगे जो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। पश्चिम बंगाल का सिंगालीला नेशनल पार्क अभी सुर्खियों में है और यह पश्चिम बंगाल में वन्य और पादप जीवों के संरक्षण के लिहाज से हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है और यहीं पर स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने राज्य में रेड पांडा की बढ़ती विलुप्ति दर को देखते हुए देश का पहला रेड पांडा ऑगमेंटेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत कुछ रेड पांडा इस चिड़ियाघर से प्राकृतिक जंगलों में छोड़े जाएंगे ताकि प्राकृतिक रूप से इनकी आबादी बढ़ने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। अगले 5 साल के लिए 20 रेड पांडा जंगलों में छोड़े जाएंगे। चूंकि इनकी आबादी बहुत कम हो चुकी है और इसीलिए 20 ही रेड पांडा छोड़ने का निर्णय हुआ है, लेकिन चुनौती यह भी है कि दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का क्षेत्र रेड पांडा और पेंगुलिन के अंगों की अवैध तस्करी के लिए भी जाना गया है और ऐसे में यह देखना होगा कि रेड पांडा ऑगमेंटेशन प्रोग्राम को पश्चिम बंगाल कैसे सफल बनाएगा। रेड पांडा के बारे में बात करें तो यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 स्पीसीज है, जिसका मतलब है कि इसे कानूनी रूप से संरक्षण का उच्चतम स्तर मिला हुआ है। इसे मारने या अवैध व्यापार पर न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है और इसके अलावा 25,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 के जरिए अब शेड्यूल्ड स्पीसीज के बारे में नए प्रावधान भी लाए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम किसी और प्रोग्राम में अलग से करेंगे। रेड पांडा को IUCN के रेड डेटा लिस्ट में संकटापन्न यानी इनडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है और यह आपसे पूछा जा सकता है। यह उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश का एंडेमिक स्पीसीज है और यह पश्चिम बंगाल में भी प्रमुख रूप से पाया जाता है। यह सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है यानी राज्य पशु भी है और जानने लायक बात यह भी है कि भारत में हिमालयन रेड पांडा और चाइनीज रेड पांडा दोनों पाया जाता है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि रेड पांडा के अंगों की तस्करी किन कारणों से होती है, उसका कमर्शियल यूज क्या है और आप हमें ये भी बताएं कि रेड पांडा किस राज्य का स्टेट एनिमल है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले न्यूज दिस आर प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।